हाय दिग्विजय, तो हाय सर। कैसे हो भाई? है ना, बचा दिया तुमने 10th स्टैंडर्ड में, है ना? तो हाँ, घर वाले क्या बोल रहे? बहुत खुश है वो भी। बहुत खुश है। तो हाँ, 96% आया अपना, एग्जैक्ट कितना है? 96.20। 0.20। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुला खूब खूब अभिनंदन। तर थैंक यू सर, थैंक यू। कसं वाटते तुला? थोड़ा सा एक्सपीरियंस तुझा म्हणजे कसा होता ते सांग थोडंसं। हाँ, चांगलं होतं सर, कारण प्री बोर्ड सुद्धा चांगलं गेलं होतं। हाँ अभ्यास हाँ सुरुवातीपासूनच चालला होता। आपलं यशस्वी बॅचची जॉईन झालं होतं, एप्रिल मध्ये सुरू झाली होती आपली कोणता यशस्वी बॅच बॅच। घेतला होता तो? यशस्वी आणि बोर्ड बुस्टर पण घेतला होता का? हाँ, घेतला होता बोर्ड बूस्टर। अच्छा 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 हाँ, मग तेव्हापासून पढाई सुरू केली। त्यानंतर प्री बोर्ड मध्ये चांगले नंबर आले, 98 आलते प्री बोर्ड मध्ये। अच्छा, हाँ 90 डालते, वाह बढ़िया हाँ 98 आलते। मी तुम बढ़िया। तुम्हाला हाँ मेसेज सुद्धा केलता टेलिग्राम वर, त्या इंग्लिश त्या पेपर अच्छा अच्छा डिस्कशन बद्दल। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, आलं लक्षात। हाँ तर तुझा फेवरेट सब्जेक्ट कोणता होता? माझा फेवरेट सब्जेक्ट सायन्स होता सर, फिजिक्स सायन्स। केमिस्ट्री। हाँ, वा वा वा, केमिस्ट्री मध्ये किती पडले? तर सगळ्यांना फुल सायन्स ओ मध्ये अच्छा हाँ, 97 बरोबर आले। हाँ 97 का, बढ़िया। तर बेटा पुढचं म्हणजे प्लॅनिंग काय आहे, पुढे काय करायचंय? हाँ सर, जेई जेई मध्ये जाऊ तो अपने को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर बनना है अपने को, है ना? हमारी तो घर वाले क्या इंजीनियर बनने के लिए बोल रहे हैं या तुम्हारी इच्छा है बनने की? इच्छा है सर। अच्छा, तो कुछ प्लान किया उसके लिए? अभी तो नहीं, अभी से शुरुआत करनी है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पीडब्ल्यू से कुछ हेल्प हुआ और क्या हेल्प हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ। पीडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट किया तो उससे क्या हेल्प मिला? पीडब्ल्यू की फैकल्टी बहुत अच्छी थी सर। अर्जुन सर मैथ पढ़ाते थे, आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत अच्छी समझ में आता था। फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, तो फिजिक्स में भूषण सर भी अच्छे करते थे। इंग्लिश में ग्रामर और बाकी वोकैबुलरी का जो सेक्शन था उसमें जरा इंग्लिश में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मार्क होते रहते थे, क्योंकि वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट था इसलिए। लेकिन अवंतिका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया। पीडब्ल्यू फैकल्टी ओवरऑल अच्छी थी। ओके उसके बाद टेस्ट भी होते रहते थे, उसमें भी मैं ईमानदारी से सॉल्व करता था, उसमें भी अच्छे नंबर आते थे। फिर चेक करने के बाद पीडब्ल्यू अच्छा था सर, उसी की वजह से साइंस मैथ में अच्छा स्कोर हुआ। मुझे एक चीज पूछना है तुमसे दिग्विजय, कि बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर कोई रेफरेंस बुक बताओ या मुझे कोई ट्रिक्स बताओ कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूं, या मुझे कोई टिप्स बताओ। तो अभी तुमने ऑलरेडी ये स्कोर कर लिया है, तुमको एक्सपीरियंस आ गया है, हाँ तो तुमको क्या बताना है बच्चों को जो अभी 10वीं में आए हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो? सर, मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ। जब मैं भी 10th में था तो मुझे भी लगता था, जब टॉपर वहाँ आते थे 11वीं में पढ़ते थे, जब मैं 10th में था तो मैंने भी उनसे बातचीत की थी। लेकिन जो हमारा स्टेट बोर्ड का जो बुक है वही से चलना चाहिए, क्योंकि वही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो सीधा उसमें से डाले जाते हैं, और सब्जेक्टिव के लिए हमें डाइजेस्ट लेना जरूरी होता है। क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं उसकी उसमें हमें रेफरेंस बुक चाहिए होता है, इसलिए टारगेट ले सकते थे या नवनीत नवनीत भी बेस्ट है। बढ़िया। तो अभी मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे उसका कंफ्यूजन रहता है, बहुत सवाल रहते हैं कि 10th कैसा कैसे पार करें, है ना, 10th में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो ऑलरेडी आप लेके आ गए हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हो पीडब्ल्यू को या अभी जो बच्चे हैं उनको, या और भी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बताओ। मैं यही कहना चाहता हूँ, 10th है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपका करियर भी बहुत आगे है। 10th एक बराबर उसमें से एक स्टेप है, वो हमें एक्सपेक्ट पार करना चाहिए। हाँ, यदि आपको ज्यादा मार्क आए, कम मार्क आए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप हम अपना बेस्ट देते हैं या नहीं, ये मैटर करता है। जब हम बराबर अपना बेस्ट देंगे वो तो मार्क ही आ ही जाएंगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप पूरा जोर लगाकर पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत। तो बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि मतलब हमने जो साल भर मेहनत की, और सबसे हाँ पहले तो तुमने मेहनत की, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है तो तुमको तो खुशी होगी क्योंकि अल्टीमेटली तुमने हाँ बहुत मेहनत की। हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमने किसी को पढ़ाया और वो आज 96% लेके आया। तो तुम्हारे हाँ स्कूल का, स्कूल में क्या है, मतलब टॉपर कौन है स्कूल में? तो स्कूल में टॉपर मैं रेत में पढ़ता हूँ, मैं ही अच्छा टॉपर हूँ, 96.20। अच्छा हाँ स्कूल के टॉपर आप ही हो? हाँ अरे वाह, तो फिर तो हाँ स्कूल से भी पार्टी मिलेगी आज। बहुत हाँ सही है। तो मिलेगी। हाँ खूब खूब अभिनंदन परत एकदा तुला, ठीक है?
थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होगा या कुछ भी, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं पीडब्ल्यू से हमसे, ठीक है? हाँ और फिर हम मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ।